आज देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर दिल्ली में होने वाली कांग्रेस पार्टी की हल्ला बोल रैली में जाने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। जिनसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर कंप्यूटर अपने सैनिकों कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ निकले। देखिए दिल्ली से जसवंत कंडेला की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जी प्रधान जी, आज और हल्ला बोल रैली कभी बहुत भारी जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिली है। आज लाखों लाखों, चाहे हरियाणा से हो चाहे दूसरे प्रदेश से हो, लाखों लाखों लोग आए हैं। जो हल्ला बोल रैली है महंगाई को लेके, बेरोजगारी के लेके हल्ला बोल रैली है। और इस रैली में माननीय राहुल गांधी जी और जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और सारे हरियाणा से लाखों लोग आए हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इस रैली में हुई है और एक नया जोश कांग्रेस पार्टी में इसमें दिखा है। आज पूरे प्रदेश में तराई तराई मान है, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे बेरोजगारी को लेके हो, चाहे अग्निपंथ को लेके हो। आज पूरे देश के जो युवा लोग, युवा शक्ति है, वो अंधकार में डूब चुकी है। और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से जो रोजगार छीने सरकार ने, मोदी सरकार ने, और युवा में बड़ा आक्रोश है क्योंकि अग्निपंथ के बहाने से जो सेना का अपमान किया जा रहा है और जो 15-15 हज़ार रुपये में भर्ती की जाई है, ये सेना के साथ गद्दारी है। और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी आप देख रहे होंगे, नरेंद्र मोदी ने एक नारा लाया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, ना वो नौकरी मिली। और महंगाई आप देख रहे हो, मोदी जी ने कहा था 100 दिन में ये जो महंगाई है उसको ख़त्म कर देंगे। और आज पूरी देश और प्रदेश की जनता त्राई त्राई मान है। आज आपने देखा होगा GST, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं थी, जो गरीब की जरूरत की वस्तुएं थी, चाहे दही था, आटा था, चाहे और भी जो अन्य आइटम थी, जो रोज़मर्रा की आइटम थी, उस पर GST लगाने का काम किया है। बिल्कुल कफन पे भी GST लगाने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी की BJP सरकार की नीतियों से पूरे लोग परेशान हैं, सारे व्यापारी लोग परेशान हैं, गरीब लोग परेशान हैं, कर्मचारी लोग परेशान हैं, सारे लोग इतने हताश और निराश हैं, एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और आज रामलीला मैदान से ये ऐलान किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, ऐसी गूंगी बहरी सरकार ना युवाओं की सुन रही, ना किसी बात रोजगार की कर रही। रोजगार की बात होती तो युवा को कहते हैं पकौड़े बेच के अपना कार्य चलाएं। और नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा विश्वासघात देश के लिए किया, और सारा देश, जितनी भी सरकारी संस्थाएँ थी, चाहे हमारी रेल थी, चाहे एयरपोर्ट था, जो और अन्य संस्थाएँ थी, उनको सारा बेच दिया। और जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश को खड़ा किया था और एक गति प्रदान की थी विकास के मामले में, सारी गति ठप पड़ी है। और नरेंद्र मोदी सारी संस्थाओं को बेच रहा है, और अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, जितने भी इनके बड़े बड़े जो पति हैं, उनको साथ लेकर चलता है, उनके साथ हेलीकॉप्टर में विदेश जाता है। उन्होंने लूट मचाई हुई है, और पूरे जो बैंक हैं, पूरे राष्ट्रीय बैंक हैं, उनको कर्जे में डुबो दिया है। और जो कर्जे माफ़ मोदी द्वारा किए जाते हैं, एक आम आदमी का कर्जा, एक किसान अगर 1 लाख का कर्जा ले लेता है, उसके साथ तो नए नए कानून जोड़ दिए जाते हैं, उनको सजा का प्रावधान भी है। लेकिन जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके लाखों लाखों करोड़ रुपये माफ़ किए जाते हैं। आज बिल्कुल देश कर्ज में डूब चुका है। आज GDP गिर चुकी है, आज हमारे रुपए की कीमत गिर चुकी है। मोदी सरकार एक ही बात कहा करते थे, मोदी साहब जो प्रधानमंत्री पहले से, अगर हमारा डॉलर गिरेगा तो हमारी सरकार की साख गिरेगी। अब पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, अब वो कहाँ गए? उसके वादे 15 लाख देने की बात थी, हर घर में 15 लाख पहुँचाने की बात थी, और काला धन वापिस लाने की बात थी। वो सारे जो वादे उन्होंने किए थे, वो सारे वादे झूठे बन के रह गए, जुमला बन के रह गए। आज BJP के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज लाखों लाखों की भीड़ पूरे देश की यहाँ रामलीला मैदान में जुड़ी थी, और पूरा उनमें आक्रोश था, और एक ही संकल्प लिया है, जितनी जल्दी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे BJP सरकार को, तभी युवाओं को रोज़गार मिलेगा, महंगाई पर रोक लगेगी। आज पूरे प्रदेश में तराई तराई मान जनता करने लग रही है, और ये BJP सरकार, ये मोदी सरकार
सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है। इन्होंने गरीबियों की कोई परवाह नहीं, युवाओं की कोई परवाह नहीं। आज पूरा देश अंधकार में डूब चुका है।